दोस्तों, दोस्तों मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाता हूं, पर ऐसी एनर्जी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पीछे IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, मैं वहीं का पढ़ा हुआ हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आज उस बात को कुछ एक दशक हो गए हैं, 21 साल, दीवारें यहां के, ये स्केचेस, ये माहौल, ये पेड़, कुछ नहीं बदला। सिर्फ एक चीज बदली है कि आज पहली बार मैं वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे यहां सुन रहा हूं। अगर ये क्रांति नहीं है तो क्रांति क्या होती है? अगर ये आजादी नहीं है तो आजादी क्या होती है? अब मैं आपको चंद मिनटों में सिर्फ ये बताऊंगा, जो मेरा कर्तव्य भी है आपको बताना, कि ये फिल्म क्यों बनी है, ये फिल्म क्यों बनाई गई है, और क्यों आज मैं यहां मिस्टर खेर के साथ JNU में इस फिल्म का प्रीमियर क्यों हो रहा है, ये बात समझना और जानना बहुत आवश्यक है। जब मैं पढ़ता था आपकी तरह, जब मैं स्टूडेंट था, तो हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस थी, बाटा का जूता पहने या कोरोना का जूता पहने। आज आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि इतनी चॉइसेस हैं कि आपको समझ में नहीं आता है क्या पहने और क्या खरीदे। वो डिप्राइव्ड सोसाइटी, वो समाज जहां पे यंग लड़कों को सिर्फ यह बताया जाता था कि एक मशीन है, उसमें तुम भी इंजीनियर और डॉक्टर बनो। मैं उस वक्त में पढ़ाई की है, मैंने हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में एक नैरेटिव है, एक विचारधारा है, एक मानसिकता है, जिसको कभी पनपने ही नहीं दिया गया। एक हिंदी बोलने वाला वर्नेकुलर लड़का, एक मिडिल क्लास छोटे शहर का लड़का, जैसे दिल्ली और बंबई में आता है, उसको यहां पे इंग्लिश स्पीकिंग एक सर्टेन माइंडसेट वाले लोग जो हैं इतना इंफीरियर फील कराते हैं, उसकी आवाज को कभी बढ़ने ही नहीं देते। वो मैंने महसूस किया है। जब मैं JNU आया था, मेरी क्लास में 21 लड़कियां थी, 4 लड़के थे, वैसे ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम था। ऊपर से एक ऐसा लड़का जो भोपाल में पढ़ा हुआ, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसके पास जीन्स नहीं, मैंने वो महसूस किया है। और मुझे समझ में आया, इस देश में कहीं पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एक कॉपीराइट क्रिएट कर दिया गया था, और ये जो दूसरा, जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने गांव से प्यार करते हैं, अपने मां बाप से प्यार करते हैं, और इस देश की गलतियों, कमियों, सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके इस देश को कुछ बनाना चाहते हैं, उन लोगों को कभी इंटेलेक्चुअल का दर्जा दिया नहीं गया। दर्जा उन लोगों को दिया गया, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी का दर्जा उन लोगों को दिया गया जो एक ऐसे यूटोपिया की बात करते हैं जो कभी संभव ही नहीं। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था, मुझे याद है, यहीं पीछे ये इंस्टीट्यूट इसी कैंपस में है, आप सब जानते होंगे। मैंने अपने प्रोफेसर, वो कह रहे थे कि इंडिया नीड्स फ्रीडम फ्रॉम लॉट्स ऑफ इविल्स, हिंदुस्तान को आजादी चाहिए बहुत सारी चीजों से चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था, बिल्कुल सही है, पर कैसे? और वो जवाब मैं पिछले 30 साल से ढूंढ रहा हूं, मुझे आज तक वो जवाब नहीं मिला कि जिस आजादी की हम बात करते हैं वो हमें कैसे मिलेगी। तो मैंने कहा, क्या मेरा कर्तव्य क्या सिर्फ सवाल उठाना है? क्या मैं सिर्फ ये सवाल उठाऊंगा, या मेरे को यह भी देखना है कि ये जिस आजादी की हम बात करते हैं वो आएगी कैसे? हमें किस चीज से चाहिए ये फ्रीडम, किस चीज से ये आजादी चाहिए? मनुवाद से नहीं चाहिए, मैं गारंटी करता हूं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी का कोई लड़का नहीं जानता मनुवाद क्या होता है। हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता मनुवाद क्या होता है। मनुवाद नहीं बात करता जाति की, वो वर्ण की बात करता है। वहां ब्राह्मण शूद्र बन सकते हैं, शूद्र ब्राह्मण बन सकते हैं, वो अलग चीज है। हमें ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं उससे भी इस देश का बहुत उत्थान हुआ है। हमको आजादी चाहिए
इस देश की मीडियोक्रिटी से, हमको आजादी चाहिए इनएफिशिएंसी से, हमको आजादी चाहिए इनकॉम्पिटेंस से, हमको आजादी चाहिए उन लोगों से जो देश में रहकर देश को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्या कारण है 70 साल की आजादी के बाद, 70 साल की आजादी के बाद इस देश में एक सिंपल एजुकेशन हम नहीं दे पाए? हमें उन लोगों से आजादी चाहिए जिन लोगों ने हिंदुस्तान के मिडिल क्लास, जो असली हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। सारे इंस्टीट्यूट्स में, सारी यूनिवर्सिटीज में, हर ऐसी जगह पे जहां पे एक विचारधारा पनप सकती है, वहां पे अपने लोगों को बैठाल के एक तरह की आइडियोलॉजी को ही सिर्फ ग्रो करने का मौका दिया। मैं उस नैरेटिव से आजादी हमें चाहिए। ये फिल्म उस गुस्से से, उस फ्रस्ट्रेशन से बनी है। आज 2016 में हिंदुस्तान को जो आजादी चाहिए, यह फिल्म उसकी बात करती है, उस क्रांति की बात करती है। इस देश में सिर्फ एक क्रांति की बात की गई है, दूसरी क्रांति की कभी नहीं की गई। वो क्रांति आएगी सिर्फ हिंदुस्तानियत से, वो आएगी कैपिटल बनाने से, वो आएगी वेल्थ बनाने से, वो आएगी जब अपने घर में आप पैसे भेज सकेंगे। कौन भूखे पेट क्रांति कर सकता है? लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग भूखे पेट रहे, ताकि वो क्रांति कभी आएगी नहीं और उनकी दुकानें चलती रहे। इसलिए ये फिल्म बनाई गई है। मैं इस फिल्म को जेएनयू में भी शूट कर सकता था, पर इसको इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में इसलिए शूट किया गया है क्योंकि आज आप सब लोग जो हैं एंटरप्राइजिंग लोग हैं। मैं आपको फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिए कौन सी क्रांति आप पसंद करते हैं। इस फिल्म के बाद उस पर हम सवालों जवाब करेंगे, पर मैं आखिरी 2 मिनट में आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबको लगता है हम लोग बॉलीवुड में हैं, हम लोग बहुत एक तरह का एक सोशल पावर, एक नैरेटिव पावर है, पर ऐसा नहीं है। यह फिल्म कम से कम 5 से 6 स्टूडियोज ने प्रॉमिस किया रिलीज करेंगे और लास्ट मिनट पर इसको देखने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। ये फिल्म फेस्टिवल्स में गई इंडिया में और लास्ट मिनट पे वहां पे देखने के बाद इसको बिना मुझे बताए निकाल दिया गया, क्योंकि एक विचारधारा से ये एग्री नहीं करती है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल्स, ये सारे फेस्टिवल सिर्फ एक ही माइंडसेट के लोग, एक ही नैरेटिव के लोग चलाते हैं। इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं चलाता जिसको देश से प्यार हो। ये वो लोग हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के कैपिटल में 0 है, लेकिन इंडिया की क्योस में 100% है। और तब अशोक पंडित जैसे दोस्त खड़े होते हैं जो कहते हैं सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तब इस फिल्म को हम इंटरनेशनली लेके गए। यह फिल्म 30 इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करके बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट माद्रिद में बेस्ट स्क्रीन प्ले, जकार्ता में बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टिंग, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। पर मैं यहां आपको अवार्ड्स बताने नहीं आया हूं। मैं इस फिल्म को यहां सिर्फ इसलिए प्रीमियर कर रहा हूं क्योंकि मेरा फेथ जेएनयू में इतना ज्यादा है। मैंने यहीं पे इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाई भी की है, इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ के मैंने सिगरेट पीना भी सीखा है, इन्हीं पेड़ों के बीच में जॉइंट्स पी के मैंने गर्लफ्रेंड्स भी बनाई है। ये मेरी जमीन है। और जब मैंने बंबई में उस दिन भाषण सुने और सब सुना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे यहां से काट रहा है। और मैंने कहा किसी भी कीमत में मेरे देश से, मेरे इंस्टीट्यूट से कोई मुझे काट नहीं सकता। और आज सौरभ, आप लोगों ने इस फिल्म को यहां दिखाने का निश्चय लिया है। ये स्टूडेंट्स की जीत है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जीत है। और मैं आपको आखिर में सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये एक नई क्रांति की नींव है। इसके बाद श्री अनुपम खेर जी हमारे साथ हैं, माइक में वहां पे आगे पास करता हूं। खेर साहब इसमें बहुत ही बढ़िया अभिनय के साथ एक बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। अब आगे वो बताएंगे।